अंगारा द ग्रिल किचन कबाब इंडियन चाइनीज विद ऑथेंटिक हैदराबादी जफरानी बिरयानी। जी हाँ, अंगारा द ग्रिल किचन रेस्टोरेंट ओपन हो चुका है एशियन बिजनेस सेंटर गुलबर्गा। अगर आप कबाब, ग्रिल चिकन, मोगले और बिरयानी के शौकीन हैं तो अब आपके लिए वैरायटीज ऑफ कबाब्स, वैरायटीज ऑफ तंदूरीज और मोगले डिशेस अवेलेबल है ओनली एट अंगारा द ग्रिल किचन, जहाँ पर आपको इंडियन स्टाइल ग्रिल चिकन स्टिक, अरबी स्टाइल ग्रिल स्टिक, ग्रिल लैम्ब चॉप्स, ऑलिव ऑयल से बनी अफगानी तंदूरी, गुलमोहर तंगड़ी कबाब स्टफ विद चिकन खेमा एंड चीज़, कलमी कबाब, बादामी चिकन रोल, पिस्ता चिकन रोल, ऑथेंटिक हैदराबादी मटन एंड चिकन जफरानी बिरयानी। और पहली बार गुलबर्गा शहर में आपको मिलेगा लाइव बारबेक्यू किचन अंगारा द ग्रिल किचन, और साथ ही आपको मिलेगा स्पेशल ग्रेवीज लाइक बादामी मुर्ग, जफरानी मटन एंड मैनी वराइटीज़ ऑफ ग्रेवीज। ऑल्सो यू विल गेट मैनी वराइटीज़ ऑफ डेजर्ट्स, फूड एंड मोहिटोज। वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर डाइट फूड लवर्स विद ऑफरिंग ग्रिल चिकन स्टिक सैलड्स एंड कबाब। नाउ इट्स वेरी नियर टू यू इन द हार्ट ऑफ द सिटी। अगर आप कोई भी गैदरिंग करना चाहते हैं तो 100+ लोगों की गैदरिंग कर सकते हैं जायकेदार डिशेस और फैसिलिटीज ऑफ पार्किंग के साथ। अगर आप बल्क में ऑर्डर देना चाहते हैं तो अंगारा द ग्रिल किचन के ओनर सैयद इमरान खादरी को कॉल करें 9974029439 या फिर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ विजिट करें अंगारा द ग्रिल किचन एशियन बिजनेस सेंटर गुलबर्गा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज एशियन बिजनेस सेंटर में अंगारा द ग्रिल किचन के नाम से एक बेहतरीन रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन होने पर मैं हमारे साथी एहसान साहब और सैयद इमरान साहब और इनके पूरे स्टाफ को मैं अपनी जानिब से, हम तमाम की जानिब से मुबारकबाद देता हूँ। एहसान साहब पिछले कई दिनों से फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, गुलबर्गा के लोगों को डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड दे रहे हैं और बहुत टेस्टी फूड हमें भी अभी टेस्ट कराया, वो बड़ी टेस्टी फूड है और नंबर ऑफ डिशेस है और ग्रिल चिकन के हर एक वैरायटी के आइटम्स है। इस्पेशली अंगारा द ग्रिल किचन कॉन्सेंट्रेट कर रहा है कबाब्स पर, तो जो भी शहर गुलबर्गा के जो शौकीन हैं वो हजरात अपने लुत्फ़ लेने के लिए, टेस्ट करने के लिए ज़रूर अंगारा ग्रिल चिकन किचन को, रेस्टोरेंट को आप ज़रूर आइए। और स्पेशली यहाँ पर आने के बाद में ऐसा मालूम हो रहा है कि एक ब्यूटीफुल एटमॉस्फियर है, स्पेशली फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फियर है। यहाँ पर ना सिर्फ फैमिलीज़ बल्कि कोई भी इवेंट भी सेलिब्रेट यहाँ पर आकर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। छोटे छोटे इवेंट्स
बर्थडे इवेंट, छोटे इवेंट, जो भी इवेंट्स हैं यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो एक स्पेशियस रेस्टोरेंट है, आउटडोर भी बहुत अच्छा स्पेशियस एनवायरनमेंट है, इंडोर भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट टेस्टी फूड है। तो इसके लिए मैं फिर से एक मरतबा एहसान साहब को और इमरान साहब को, इनके पूरे एक्सपीरियंस स्टाफ को मैं कंग्रेचुलेट कहता हूँ, मुबारकबाद देते हुए शहर गुलबर्गा की अवाम से ख्वाहिश करता हूँ कि हमने बेहतरीन डिलीशियस फूड को यहाँ पर टेस्ट किया, एंजॉय किया। आप भी आइए, ज़रूर एक मरतबा आकर यहाँ के डिलीशियस फूड को एंजॉय कीजिए। अंगारे का खाना यहाँ पे बेसिकली कबाब्स के ऊपर फोकस गया है, जिस तरीके से नाम अंगारा है, हमको ये समझाना था कि टोटली हम ग्रिल्स और कबाब्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब यहाँ पे कई सारे फ्यूजन्स हैं। ये है ग्रिल चिकन, बेसिकली एक वाइट मसाले में ऑलिव ऑयल का प्रिपरेशन, जो कि एक फ्यूजन है अरबिक स्टाइल में और कॉन्टिनेंटल का फ्यूजन है। ये इंडियन और कॉन्टिनेंटल का फ्यूजन है। ये दोनों टोटली डाइट फूड्स हैं। ये डाइट लवर्स के लिए हैं, जो भी जिम्स के लिए या फिर वेट लूज के लिए जाते हैं। चिकन ब्रेस्ट में बनती है, टोटली हेल्दी, लेस कैलोरीफिक और बहुत ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट एंड सक्यूलेंट। अब ये है ग्रिल्ड मटन चॉप्स, ये बॉइल्ड नहीं है, ये रॉ मटन को ग्रिल किया गया है। तो आप इससे ये देख सकते हैं ग्रिल मटन चॉप्स। चॉप्स के हर शहर में अलग एक स्पेसिफिक लवर्स होते हैं, हम उनको वेलकम कर रहे हैं ग्रिल चॉप्स खाने के लिए। अभी फिलहाल चॉप्स ग्रिल्ड में है, यहाँ से करीज में आएंगे और दूसरे बहुत सारे स्टार्टर्स में आएंगे। अब यहाँ पे आते हैं एक अफगानी तंदूरी, जो कि अफगानी स्पाइसेस को यूज़ करके, इंडियन तंदूरी को यूज़ करके यहाँ पे हम लोगों ने एक नया फ्यूजन किया है, जो वाइट मसाले में कैशूनट बेस्ड है और ओलिव के बेसिस पे बनाया गया है। उसके बाद है ये, जो कि थाई चिकन, थाई होता है लेग, आप यूजुअली लेग के कबाब, टंगड़ी बहुत सारे मिलते हैं। ये एक चिकन थाई का कबाब है, खलमी कबाब, जो कि बेसिकली कार्डमम फ्लेवर इलायची के ऊपर बनता है। टोटली ऑथेंटिक मुगलाई डिश है, इस कबाब को आके आप ट्राई कीजिए। उसके बाद गुलमोहर टंगड़ी, जो कि एक स्टफ टंगड़ी है, अगर मैं अभी यहाँ से इसको तोड़ता हूँ तो आपको इसके अंदर स्टफिंग दिखेगी। ये स्टफिंग चीज़, पनीर और मिंस्ड चिकन की है। फिर उसके बाद ये अपनी ऑल टाइम फेवरेट तंदूरी चिकन, प्योर मस्टर्ड ऑयल के प्रिपरेशन में एकदम ऑथेंटिक तरीके से बनाई गई, ओवरनाइट मैरिनेशन हमारे कबाब्स में। फिर उसके बाद ये हमारे आज के लिए, ये वीडियो के लिए हमारे कबाब्स इतने हम शोकेस कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे वीडियोस आएंगे जिसमें और बहुत हमारी लंबी स्पेसिफिक मेन्यू है कबाब्स को लेके, जो हम लॉन्च करेंगे। ये बेसिक स्टार्टर्स हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं चाइनीज़ के, जैसे कि अपना चिली फिश हो गया, ये अपने मतलब चिकन के स्टार्टर्स हो गए। फिर उसके बाद अपने इंडियन करीज हैं, मुगलई करीज, अपने वेज लवर्स के लिए काफ़ी सारे वेज करीज हैं, वेज करीज हैं। और उसी तरह ये एक हमारी स्पेशल करी है, जो बोनलेस आती है, जो सैफरन में और आलमंड के पेस्ट में, इसका नाम है बादामी मुर्ग, जो सैफरन और आलमंड के पेस्ट में, बादाम के पेस्ट में और बादाम से गार्निश होती है उसमें बनती है। ये हमारी एक सिग्नेचर करी है। फिर उसके बाद ये हमारा मटन के करीज हैं, ये अपना अदरक की गोश्त, और ये तो बेसिक फ्राइड राइस। देखिए, हमारा टोटल फोकस सिर्फ कबाब्स पे है, और उसके साथ हम ये सारे करीज़
और ब्रेड्स, ये अपना अमृतसरी स्टफ्ड कुलचा, ये प्लेन कुलचा, मसाला कुलचा, और ये हमारे नान और रोटी। यहाँ पे हम लोग आपको नान्स थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में दे रहे हैं, जैसे कि ये लच्छे वाली नान, आपको नान में इस तरीके के लेयर्स नहीं मिले होंगे, ये लच्छे वाली नान। तो ये बेसिक आज की वीडियो के लिए खाना है, और ये हमारे कुछ मॉकटेल्स हैं। बहुत जल्द हम कोल्ड लाटेज, कॉफीज और मिल्क शेक्स में भी आने वाले हैं, जो कि विद इन अ वीक स्टार्ट हो जाएंगे। आप देख रहे हैं गुलबर्गा की आवाज़ न्यूज़ चैनल, सबसे तेज और सबसे आगे।